जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि गुजरात में लॉन्च हुई हिंदुस्तान पेट्रोलियम की डोर टू डोर डिलीवरी पेट्रोल वैन। जी हाँ, जिसमें कि आप देखेंगे कि बिल्कुल वैसे का वैसे ही मीटर लगा हुआ है। मुझे सरकार से ये अपील है, राज्य सरकार से ये अपील है, केंद्र सरकार से ये अपील है कि उल्वे के लोगों के लिए, उल्वे नोड जो कि बसा है एक बड़े नाम से नवी मुंबई एयरपोर्ट इंटरनेशनल के पास, वहाँ पे एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो यदि इस तरह की वैन उल्वे में आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, ये मेरा सुझाव है। जनता क्या सोचती है वो जनता के ऊपर है। आगे वो वीडियो देखिए जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, तो ये है वो पेट्रोल वैन जो गुजरात में लॉन्च हुई है। आप देख सकते हैं इसका गुजरात नंबर है। जी हाँ, आप देख सकते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस डोर टू डोर पेट्रोलियम वैन को बनाया है। यदि ये वैन उल्वे में आ जाती है तो उल्वे करों के लिए बहुत ही फायदे की चीज़ होगी, क्योंकि उल्वे में लोगों को पेट्रोल के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। कोई पेट्रोल पंप के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई ऐसा योद्धा उल्वे में नहीं है जो पेट्रोल योद्धा बन के पेट्रोल की समस्या को समाधान कर सके। तो यदि जनता इस तरह की चीज़ चाहती है तो मैं सरकार से अपील करता हूँ और आपसे भी अपील करता हूँ कि जितना हो सके इसे सरकार को पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि सरकार ये चीज़ का कर सके। उल्वे नोड वैसे भी कई तरह से सफ़र कर रहा है। जी हाँ, कभी इस वजह से, कभी उस वजह से। ये है पेट्रोल पंप की शक्ल, देखिए आप पेट्रोल पंप एकदम मोबाइल तरीके से। जी हाँ, और इसका इस तरह की यदि पेट्रोल डोर टू डोर वैन, दो वैन भी यदि आती हैं, एक बमन डोगरी कवर करती है और एक खारकोपर कवर करती है, बड़े ऑल्टरनेट डेज आ जाएं तो भी बहुत कुछ फ़ायदा होगा। तो ये एक वीडियो था जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम से मिला और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ।